सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? ठीक हो ना? चलो आज शुरुआत करते हैं अपना क्लास गिनती से। आज हम शुरुआत करते हैं गिनती से। 1, 2, 3 आपको मैंने नोटबुक में लिखने को दिया था। अभी क्या करेंगे हम, एक बार उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज का डेट क्या है? आज का तारीख है 12/8/2021। नेक्स्ट डे इज थर्सडे। थर्सडे को हिंदी में क्या बोला जाता है? गुरुवार। चलो देखते हैं। ये देखो, दिस इज योर बुक, अंकुर बुक, आपका अंकुर बुक, पेज नंबर 66। एक देखो, नंबर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 में 0, 10, 1 में 0, 10। उसी अनुसार यहाँ पर बॉल्स है, यहाँ पर बॉल्स है जो 1 को दर्शाता है, 2 को दर्शाता है, 3 को दर्शाता है। ये देखो नंबर 4 है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो वैसे ही यहाँ 10 तक आता है, ये आप गिनती करोगे। चलो मैं अभी लिखना सिखाती हूँ आपको 1 से 10 तक। आपका जो इवैल्यूएशन 1 आएगा उसमें आपको नंबर्स, अंक 1 से 10 तक लिखना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक फोल्ड करोगे, डाउन करोगे, 1 फोल्ड एंड डाउन, ये आपका 1 है। 1, फिर 2 में आपका यहाँ पर ऊपर फोल्ड नहीं आएगा, फोल्ड आएगा आपका नीचे, ये है 2, 1, 2। फिर 3, जैसे हम इंग्लिश का 3 लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे पर एक फोल्ड आएगा। 3, ये हमारा 3 है। नेक्स्ट 4, ओरिया में आपने 4 नंबर लिखा है ना, वैसे ही है 4, ऐसे है 4, या कभी कभी थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे भी लिखा जाता है, आपको जो इजी लगे वो लिखो। 4, देन 5, ये है 5। कभी कभी 5 को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी 5 लिखा जाता है, पर हम ये यूज करेंगे 5। 6, ये जो 3 लिखा है आपने 3 लिखा है, उसको उल्टा कर दोगे, 6, ये 3 का उल्टा हो गया 6। 7, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ पर फोल्ड करोगे, 7। 8, फिर 9, और 10, 1 में ये जो 1 है, 1 में 0, 1 में 0, 10, 1 में 0, 10। फिर से देखो 1, मैं फिर से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 में 0, 10 हो गया। ये था हमारा गिनती। आज चलेंगे हम उ की मात्रा पे। हमने छोटी ई की मात्रा सीख लिया था, आज चलेंगे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा पे चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमने खत्म कर चुके हैं ये वाला। आज हम पढ़ेंगे बड़ी उ के बारे में, जो बड़ी उ होता है वो कैसे दिया जाता है,
पहले बता दूं छोटी ऊ, ये देखो ये हमारा छोटी ऊ है, दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा छोटी ऊ है। और छोटी ऊ की मात्रा कैसे होता है, हर अक्षर के नीचे छोटी ऊ की मात्रा ऐसे डाला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। देखो बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ में एक पूंछ होता है ना, ये बड़ी ऊ की ऊ है, ये बड़ा ऊ है। अब इसमें हम मात्रा सीखेंगे, मात्रा कैसे दिया जाता है, बस इसका उल्टा दिया जाता है। कैसे, हर अक्षर के ये अक्षर है सोचो और नीचे जाएगा, इसका उल्टा नीचे जाएगा, ये है हमारा बड़ी ऊ की मात्रा। तो देखो ये वाला आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, डेट क्या है, 12/8/2021 और डे इज ट्यूसडे, दिन हमारा गुरुवार है। तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे और ये कंप्लीट करोगे, ट्रेस द लाइन, यू हैव टू ट्रेस द लाइन। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, 100 में ऊ की मात्रा एक बार कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सौ में बड़ी ऊ की मात्रा सु प्लस र प्लस च, क्या बना, सौ में बड़ी ऊ की मात्रा सु प्लस र प्लस च, क्या बना सूरज। सौ में ऊ की मात्रा सु र ज, सूरज, हमारा सूरज बन गया, ये देखो सूरज मतलब सन। नेक्स्ट भ में आ की मात्रा भा प्लस ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू, क्या बना भालू, बना भालू। नेक्स्ट देखो तरबूज, त में र प्लस ब में ऊ की मात्रा, ब में बड़ी ऊ की मात्रा और प्लस और च, क्या बनाओगे, ये बना तरबूज। तरबूज तरबूज मतलब वाटरमेलन। त र ब में ऊ की मात्रा भू ज, तरबूज तरबूज बन गया। नेक्स्ट देखो झ में ऊ की मात्रा, झ में ऊ की मात्रा झू प्लस ला, आप सबको अच्छा लगता है ना झूला, हाँ झूलने को, तो झूला बना। झ में ऊ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, झूला बन गया, झूला अच्छा लगता है ना आपको, झूला। बोल कर पढ़ो, अभी हम बोल कर पढ़ेंगे, देखो मैं दिखा रही हूँ, एक एक पढ़ेंगे। पहला वाला क्या है, पहला वाला है च में ऊ की मात्रा चू, ड में ई की मात्रा डी चूड़ी, ध में ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा धू म धूप धूप, ये क्या बना धूप बना। स में बड़ी ऊ की मात्रा सु र ज सूरज, प त ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू न पतलून, क में आ की मात्रा का, ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू काजू, प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, ज में आ की मात्रा जा पूजा, प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, ड में ई की मात्रा डी पूरी, ख ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू र खजूर, अ म र में ऊ की मात्रा रू द अमरूद, अमरूद खाते हो ना सब, मीठा होता है और ग्रीन कलर होता है। ज में ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता जूता, ब में आ की मात्रा बा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू बालू, समंदर में बालू होता है। प में आ की मात्रा पा, ल त में बड़ी ऊ की मात्रा तू पालतू, ख र ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, ज में आ की मात्रा जा खरबूजा,
तो ये आपका रीडिंग है, आप रीडिंग करोगे। टर्न द पेज। ये देखो लेसन का नाम है पूजा। लेसन का क्या नाम है? पूजा। पेज नंबर 30। लेसन का नाम है पूजा। पूजा पूजा मतलब हम वर्शिप करते हैं ना, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो पूजा करते हैं, घर पे पूजा करते हैं, तो ये है पूजा। प में बड़ी ऊ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, पूजा। पूनम सुबह उठी। पूनम एक लड़की है। पूनम सुबह उठी, नहा कर पूजा की थाली सजाई। नहा कर उसने नहा कर क्या सजाया? पूजा की थाली सजाई। पूजा की थाली में क्या क्या रखते हैं? फल रखते हैं, दीप रखते हैं और मिठाई रखते हैं। पूजा की साली थाली अच्छे से सजाई। धूप बत्ती लगाई उसने। धूप बत्ती, धूप होता है ना, देखो यहाँ पर धूप बत्ती, ये देखो पिक्चर में है। धूप बत्ती लगाई, जलाई, फूल लिए उसने, फूल भी लिए। दूध की बनी मिठाई रखी उसने। दूध से बना मिठाई रखी उसमें। हाँ, पूनम ने पूजा की, तब पूनम ने पूजा किया। थाली में क्या क्या सजाया? बत्ती, धूप बत्ती, फूल, फूल और दूध, दूध की बनी मिठाई रखी और पूनम ने पूजा किया। थाली में सजा के काकू पूनम को फल बाजार ले गए। काकू पूनम को फल बाजार ले गए। काका जो थे, उनके चाचा जो थे, वो कहाँ ले गए पूनम को? फल के बाजार में ले गए। फिर क्या हुआ, उसने क्या क्या खरीदा देखो? अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा उसने। अमरूद गोवा, चीकू, चीकू पता है आपको, तरबूज, तरबूज मतलब वाटरमेलन, खरबूजा, खरबूजे को मस्कमेलन बोलते हैं। हाँ, खरबूजा खरीदा लोगों ने, वो सब खरीदा। चीकू से फल छीले, चाकू से फल छीले, चाकू से उसने सारे फल को, स्किन, जो फल का स्किन होता है, वो सब को छील दी। कूड़ा कूड़ेदान में डाला, जितना सब छिलका निकला था, बीज निकले थे, सीड्स निकले थे, उसने वो सब को लेके कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाला। तरबूज खाया, खूब खाया, तरबूज उसने खाया, खूब खाया। तरबूज कैसे रहता है? रेड कलर रहता है, उसने उसको काट कर खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। खूब खाया, बहुत सारा खाया। काकू ने पूनम ने खूब खाया, दोनों मिलकर बहुत सारे खाए। काकू और पूनम मिलकर बहुत सारे खरबूजा खाए। चलो मैं फिर से पढ़ती हूँ, सुनो एक बार। पूनम सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई, धूप बत्ती जलाई, फूल लिए, धूप की बनी मिठाई, दूध की बनी मिठाई रखी, पूनम ने पूजा की, काकू पूनम को फल बाजार ले गए, अमरूद चीकू तरबूज खरबूजा खरीदा, चाकू से फल छीले, कूड़ा कूड़ेदान में डाला, तरबूज खाया, खूब खाया, काकू ने पूनम ने खूब खाया, तरबूज और बहुत सारे फल लाए थे ना, वो सब मिलकर खाए। चलो एक्सरसाइज चलते हैं। पेज नंबर 31। बुक है आप लोगों के पास, अब मुझे बोलो पूनम कब उठी? पूनम कब उठी? पूनम सो रही थी, पूनम कब उठी? पूनम सुबह उठी। पूनम कब उठी? आपको आंसर लिखना है वहाँ पे, यहाँ पे आंसर लिखना है। वन का आंसर है पूनम कब उठी? पूनम सुबह उठी। पूनम सुबह उठी। नंबर 2 पे चलेंगे। पूनम कब उठी? पूनम सुबह उठी। थाली में किसकी बनी मिठाई रखी उसने? थाली में किसकी बनाई मिठाई रखी? दूध की। द में ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, दूध, दूध, दूध की बनाई मिठाई रखी उसने। दूध की बनाई मिठाई रखी।
काकू और पूनम ने बाजार से क्या खरीदा? काकू और पूनम ने बाजार से अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा। हमें लिखना है क्या खरीदा? अमरूद, ओके, अमरूद, चीकू, चमे की मात्रा, तमे बड़ी ऊ की मात्रा, सू, चीकू, तर, बमे उनकी मात्रा, जब, तरबूज, और क्या खरीदा? और खरबूजा। खरबूजा खरीदा। जब ड में, जब ज में एक नियुक्त डाला जाता है, डॉट डाला जाता है, तो आम कैसा होता है उसका साउंड? ज, 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 खरबूजा। ओके, लास्ट वन। पूनम ने क्या खाया? पूनम ने क्या खाया? पूनम ने क्या खाया? देखो, तरबूज खाया। हाँ, चिक्कू चिक्कू से फल चाकू से फल छीले, कूड़ा कूड़ेदान में डाला, तरबूज खाया, खूब खाया। तो पूनम ने क्या खाया? तरबूज खाया। पूनम त र व में उनकी मात्रा, जब तरबूज खाया। जी, पूनम ने क्या खाया? तरबूज खाया। नेक्स्ट देखो, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द के नीचे सही का चिन्ह लगाना है, और बाकी चीज़ों पे जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा नहीं आती वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखो, ये है हमारा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमारा क्या है? गुलाब जामुन यहाँ पर हम पढ़े थे ना लेसन, सुमन ने, नानी ने सुमन को गुलाब जामुन खिलाया, तो ये छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सेब, एप्पल को सेब बोलते हैं, सेब में भी ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं आता, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, क्रॉस कर देंगे। खरबूजा, ये हमारा खरबूजा है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, सही का निशान। जलेबी, जलेबी में बड़ी ऊ की मात्रा नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे, सही का निशान नहीं लगाएंगे, क्रॉस। लड्डू, देखो ये है लड्डू, ये देखो, ये लड्डू है। लड्डू में क्या आता है? बड़ी ऊ की मात्रा आता है। ल, देखो यहाँ पे लिखा रही हूँ, ल लिखा जाता है ड में, और एक छोटा सा ड लिखा जाता है, लड, ये ड होता है, ड में बड़ी ऊ की मात्रा, लड्डू, लड्डू, ये लड्डू है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, अमरूद, यहाँ पर हम पढ़े थे ना, वो जाके बाजार से अमरूद चीकू लेके आए, तो सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो, तरबूज, तरबूज भी, तरबूज में भी, खरबूजा में भी, लड्डू में, और क्या, हमारे अमरूद में कौन सा मात्रा आता है? बड़ी ऊ की मात्रा आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक टिक करेंगे। तो ये आज का वर्क है, जब नोटबुक मिलेगा मैं आपको वर्ड्स लिखने को बोलूँगी, ये वाला वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखना है, और कुछ वर्ड्स दूंगी जो आपको नोटबुक में लिखना है। आज के लिए बस इतना, बाय बाय। सब ये वाला करके, रीडिंग करके ये वाला मुझे भेजोगे, और ये वाला एक्सरसाइज अभ्यास का भी करोगे, पुट द डे डेट लिखोगे। हाँ, थैंक यू।